हेलो बच्चा पार्टी, हम फिर से मिल गए हैं आज के आपके अगले टॉपिक में। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेलीस्कोप। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। नाम तो बहुत सुना होगा आपने, है ना? ये मेरी तिरछा इस लिखने की आदत जाएगी नहीं। देखिए, टेलीस्कोप क्या होता है बेटा? टेलीस्कोप का जब हम फॉर्मूला डेराइव वगैरह करने जाएंगे तो फॉर्मूला तो आपको डेफिनेटली किसके जैसा लगेगा? माइक्रोस्कोप के जैसा ही लगेगा कि हमने वैसे ही फॉर्मूला इसका पूरा निकालना है। लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर कंपेयर करें तो माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप के फंक्शन में बेसिक डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। अब ऑब्जेक्टिव में कैसा डिफरेंस है? अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करती हूँ, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में हम क्या करते थे? हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते थे। माइक्रोस्कोप में क्या होता था, सोचो कि माइक्रोस्कोप था हमारे पास, मैंने लिख दिया क्या, माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या होता था, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा रहता था, बहुत स्मॉल रहता था। ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल रहता था, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते थे, देख पा रहे थे। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते थे, बड़ा कर लेते थे, इसको हम लार्ज करते थे, है ना भाई? सोचो, याद करो, छोटा ऑब्जेक्ट रह रहा था, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बना ले रहे थे और उस ऑब्जेक्ट को देख, उस इमेज को देख रहे थे, है ना? तो माइक्रोस्कोप का बेसिकली काम क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लार्ज करके दिखाना। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम आंख से नहीं देख पाते, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर? सेकेंड चीज, व्हाट आर द टेलीस्कोप्स? टेलीस्कोप का काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत दूर हैं, छोटे नहीं है, यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है। और टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं तो टेलीस्कोप का क्या फंक्शन है, टेलीस्कोप में बेटा ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर में है। कहाँ पे है वो? बहुत दूर में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत डिस्टेंस पे अवेलेबल है। जैसे आप चंदा मामा की बात कर दो, कहाँ है तुम्हारे चंदा मामा का घर, पास में है क्या? नहीं, बहुत दूर है ना। और वो छोटे हैं क्या? साइज में तो बिल्कुल भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो मतलब क्या है, टेलीस्कोप क्या काम करता है, जो दूर में है, डिस्टेंस के कारण हम जिन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर? तो दोनों के मेन ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहा है बड़ा करके। टेलीस्कोप क्या कर रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑलरेडी साइज में बड़े हैं बट फिर भी हम डिस्टेंस के कारण नहीं देख पा रहे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर? आज आप लोगों को वीडियो में थोड़ी साउंड की और ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही होगी, बिकॉज मेरे घर में बहुत ज्यादा कुछ काम चल रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ें। अब देखिए, टेलीस्कोप की जब मैं बात करती हूँ तो बेसिकली टेलीस्कोप बेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है? टेलीस्कोप कितने टाइप के हैं हमारे पास? दो टाइप के टेलीस्कोप हैं। एक पहला जो अगर हम लिख ले, चलिए मैं लिख ही लेती हूँ, टाइप्स। क्लियर? जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम कितने टाइप के टेलीस्कोप पढ़ते हैं? दो टाइप के। एक हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक, और दूसरा हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर? अब जो रिफ्रैक्टिंग को तो हमें एक ही टाइप है, रिफ्लेक्टिंग हमारे दो टाइप के हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक। रिफ्लेक्टिंग में भी आपका क्या होता है, एक टेलीस्कोप आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी हमको पढ़ना है, और हमें एक पढ़ना है कैसाग्रेन टेलीस्कोप। हम जिसकी जिसकी इंग्लिश जैसी जैसी है वैसा वैसा पढ़ लेना, ठीक है? मेरी इंग्लिश तो बुरी है, तुम लोगों को पता है, ठीक। तो ये दो इतने टाइप के टेलीस्कोप हैं, अगर मैं इनको जूम आउट करूं तो आई गेस आप एक पेज में देख सकते हैं इतना, ठीक। तो ये टेलीस्कोप्स हैं, ये टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है, ये टेलीस्कोप भी आपके सिलेबस में है। इन मतलब रिफ्रैक्टिंग ज्यादा है, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग का एक ओवरव्यू आपको लेके चलना है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़े, स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हम क्या पढ़ने वाले बेटा? रिफ्रैक्टिंग
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए अब टेलीस्कोप की अगर बात करें ना, तो टेलीस्कोप सेम टू सेम वैसा ही बनने वाला है जैसा पहले बनता था। कि भाई देखो कैसे बन रहा था, ऐसा था हमारे पास, है ना, हमारे पास देखो माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस भी मैं साथ ही साथ बताते जा रही हूँ। माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते थे कंपाउंड वाले, मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो माइक्रोस्कोप होते थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक क्या था आईपीस लेंस। कौन सा बड़ा होता था? आईपीस लेंस बड़ा होता था। टेलीस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। दो लेंस हो रहे थे, कौन से दो लेंस हो रहे थे? एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो रहा था और एक आईपीस लेंस हो रहा था, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, है ना। और आपका जो आईपीस लेंस होता है ना, वो छोटा सा होता है। मैंने अभी बहुत कम डिफरेंस बनाया है इन दिस साइज। ये एक्चुअली 100 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर ऐसा इसका क्या होता है, ये इस रेंज का होता है। और ये तो 5-10 सेंटीमीटर बहुत कम में बनाया जाता है, ठीक है। देखिए अब इसको इतना बड़ा बनाने का रीजन क्या है, मतलब जैसे अगर मैं इसमें माइक्रोस्कोप में बात कर रही हूँ, तो माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए दो लेंस होते थे, ठीक। तो दो लेंस में क्या होता था, हमारा एक लेंस छोटा था, तो वो दोनों लेंस के कंपैरिजन में वाकई में छोटा था, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, बट ये 20-25 सेंटीमीटर का होगा, जो इजिली बनाया भी जा सकता है, इजिली मैनेज भी किया जा सकता है, बट इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। इसको इतना बड़ा बनाने का क्या है? अब खुद सोचो, लाइट रेस कहाँ से आनी है? सन से आनी है। तो जब सन से लाइट रेस आएंगी, तो बहुत एक लाइट रे ऐसा होगा क्या कि बहुत कम जगह पे आएंगी बेटा, इतनी लाखों करोड़ों रेज आती है ना। तो जितनी ज़्यादा रेज आप लोगे, ठीक है, मैं अगर बोलूँ तो नंबर ऑफ रेज, क्या बोल सकते हैं अपन, हम लिखना चाहें तो जो नंबर ऑफ रेज हैं वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर, ठीक, जो भी नंबर ऑफ रेज आ रही होंगी वो नंबर ऑफ रेज क्या होंगी, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब हम जितना ज्यादा रेज मतलब कैप्चर करेंगे, किसका? सन रेज का, सन का या मून का। बेसिकली सूर्य को देखने कम ही लोग जाते हैं, चंद्रमा को देखने ज्यादा लोग जाते हैं। तो जितना भी आप सन रेज ऑक्यूपाई करोगे या जितना भी ज्यादा आप रेज ऑक्यूपाई करोगे, आपकी इमेज उतनी ज्यादा आई पे क्या बनेगी, क्लियर बनेगी। तो ज्यादा रेज ऑक्यूपाई करना है तो ज्यादा बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा बड़ा लेंस बनाना इसीलिए क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको बहुत बड़ा बनाया जाता है, ठीक। सॉरी, तो कुछ क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेंस को क्यों बड़ा बना रहे हैं? क्योंकि हमें ज्यादा नंबर ऑफ रेज ऑक्यूपाई करनी है, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है, उसकी जो रेज होंगी वो बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में होंगी। जितना बड़ा बनाओगे उतना ज्यादा रेज आप क्या कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे। समझ में आ रही चीज, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। अब देखिए, मान लो, अब बताओ मेरे को कि जब कोई चीज बहुत दूर पे है तो रेज कैसे आएंगी, उससे पैरेलल आएंगी, आप सबको पता है, ठीक है। बट क्या वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल आएंगे? भाई यहाँ पे यहाँ कहीं सन है, हर रे ऐसे 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 आ रही, मतलब नंबर ऑफ रेज आ रही, बट इन्फिनिटी से आ रही, तो सारी की सारी क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। चलो मान लिया कोई भी पैरेलल, क्योंकि अब मैं ये नहीं बोल सकती ना कि पैरेलल एक्सियल रेज के पैरेलल ही आएंगी, वो कहीं से भी आ सकती हैं। तो मान लिया कि मान लो ऐसे आ रही हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। ये लाइट रे ऐसे गई, अब कोई लाइट रे और होगी जो इसके ही पैरेलल होगी, है ना, इसके ही पैरेलल होगी। मान लो ये लाइट रे आ गई। एक बात बताओ, जो लाइट रे यहाँ पे आई है, ये तो पोल से गई है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल गई। ये वाली लाइट रे कहाँ जाएगी? ये वाली लाइट रे, भाई ये तो टर्न करेगी, ये टर्न करेगी तो कटेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि मैडम ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिला, लेकिन ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करा सकूं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपने उसमें पढ़ा था फोकल प्लेन, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल जो रेज आती हैं वो फोकल पॉइंट पे मीट करती हैं, और अगर कोई अदर पैरल रेज आती हैं तो वो फोकल प्लेन में मीट करती हैं।
तो मतलब ये फोकल प्लेन होगा इसका, भाई ये दोनों लाइट भी कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी ना। ये देखो ये कहाँ से गया है, आपका ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा, ये पैरेलल ये आया है इस लाइन से, अब देखो यहाँ से आया है, तो ये तो क्या करेगा, बैंड करेगा ना, बट बैंड करके इसको जाना कहाँ से, ये था फोकस से, बट ये फोकस से क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ऑप्टिक इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आए हैं, ठीक। लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल आए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, आपस में पैरेलल हैं इसलिए कहाँ मिलेंगे, फोकल प्लेन में मिलेंगे, है ना, तो फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं मिल गए, तो ये हो गया यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट, क्लियर। अब जब ये यहाँ पे मिल रहे हैं तो हमारी इमेज भी यहाँ बन रही होगी, समझ में आया इतना, ठीक। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा दूर बन गया है, इसको कायदे से यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये पहले देखो यहाँ से लाइट रे आई, कुछ समझ पा रहे हो इतना, ठीक है, अच्छी बात है अगर समझ पा रहे हैं। अब ये पहले वाले का इमेज है ना, पहले वाले का क्या है, ये इमेज, तो दूसरे वाले के लिए कैसे एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा। तो जब देखो ये ना बेटा, इसका एक्चुअल में क्या है, ये जो लाइन है ये मैंने बहुत पास बना ली है, तो मैं मान लेती हूँ कि इस जैसे ये इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो इमेज बनी है, इस लेंस के लिए पोल और फोकस के बीच में रहनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये वाला जो इमेज बनता है, इस इमेज को ऐसे रखा जाता है इस लेंस के लिए कि ये वाली जो इमेज है ना, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। मतलब कौन सी कंडीशन मिले हम लोग को इनडायरेक्टली, चलो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि मतलब हम लोग को इनडायरेक्टली, देखो अगर ये वाली जो इमेज आ रही है, ठीक, मान लो यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, तो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये उस लेंस का क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ कहीं ये इमेज आनी चाहिए, समझ पा रहे हो। अभी देखने से तो लग रहा ना कि ये फोकस के उससे बाहर है, है ना, क्योंकि मैंने ये वाला लेंस थोड़ा डिस्टेंस में बना दिया इसलिए, वरना आप लोग क्या करना है, जब बनाएंगे ये वाले लेंस को ऐसे एकदम पास में बनाना, पास में बनाओगे तो क्या होगा, देखो ये वाली लेंस यहाँ पे आएगी। अब जब यहाँ पे आएगी ना, इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ, चलो देखो कैसे होता है। ये तो हमारा बन गया, अब ये देखो ये इमेज कैसी बनी होगी, सन मतलब सूर्य से या चंद्रमा से लाइट आ रही, बहुत दूर से आ रही है ना। अब आपने बहुत दूर से आ रही है, तो ये वाला जो इमेज बनता है, ये इमेज को ना आई डायरेक्टली नहीं देख पाता, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है ये क्या बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल बन रहा है। भाई हमारा काम क्या है, हम आराम से देख सकें, तो ये जो इमेज बनती है ना बेटा यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बनती है साइज़ में। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, भाई आँख को रिलैक्सेशन दिलाना, तो इसलिए ये सेकेंड लेंस लगाया जाता है कि इस जो ये इमेज बनी है ना, भाई देखो इस पहले वाले लेंस ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने दूर की जो इमेज, दूर जो ऑब्जेक्ट था उसकी बहुत ही छोटी सी इमेज बना दी। अब इस वाले लेंस का क्या काम है कि इस इमेज को मैग्नीफाई कर देता है वो, ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकें, देख सकें, समझ में आ रही चीज़। तो सेकेंड लेंस उसी लिए लगाया जाता है। अब ये लेंस मैग्नीफाई कब करेगा, जब सिर्फ एक कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन, कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो, सिर्फ उसी केस में हमें मैग्नीफाइंग मिलता ना, अदरवाइज बाकी सब चीज़ों में तो हमें मैग्नीफाइंग इमेज नहीं मिलती, ठीक। तो ये इसीलिए क्या करते हैं इसको, देखो ये वाला केस याद आ रहा है क्या, एक लाइट रे पैरेलल जाती थी, पैरेलल जाके कहाँ से चली जाती थी, फोकस से। मैं जानबूझ के इसका फोकस दूर बना रही हूँ ताकि मेरा डायग्राम सही बने, ठीक है। तो ये लाइन फोकस से चली गई, अब एक लाइन ऐसी जाती थी सेंटर ऑफ इससे, तो ये लाइन ऐसी चली जाती। तो अब ये देखो ये लाइन ये ऐसे जा रही है ना, और ये लाइन कैसी जा रही है, ये लाइन ऐसी जा रही है, तो ये दोनों डाइवर्जिंग लाइन मिल रही थी हमें, जैसे हमने पिछले केस में बनाया था, ठीक। अब इसको पीछे मिला दोगे, तो ये लाइन ऐसे पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ये यहाँ कहीं जा रही है, ये लाइन यहाँ कहीं, मिलाओ इसको दोनों को और दूर जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली आपका कुछ इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा, ये दोनों लाइट देखो यहाँ कहीं ऐसे जा रही है ना, तो ये तुम्हारा इमेज बनेगा, कुछ समझ में आया। तो ये होता है, अब सिर्फ
क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसलिए ये इतना ज़्यादा बैंड हो गया। आप इसको पास में बनाना, ये और अच्छा हो जाएगा। ये हमने कौन सा यूज़ किया है, कौन सा डिस्टेंस, कौन सा लेंस हमने हमेशा, आप देखो याद करो, यहाँ पे मैं जो बना रहे थे, यहाँ पे हमारा फोकस होता था, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता था, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते थे हम, है ना। ऐसा भी नहीं तो ऐसे याद करो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, यहाँ पे क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से एक लाइन कैसे आती थी, एक रे पैरेलल, पैरेलल जो गई है वो कहाँ से जाएगी, आपकी फोकस से जाएगी, तो भाई ये फोकस से निकल जाती थी ऐसे, और एक ऐसे निकल जाती थी, तो ये दोनों डाइवर्जिंग होता था, पीछे खींच के क्या करते थे, यहाँ मिला लेते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पे, कि हमें जो इमेज चाहिए वो क्या चाहिए, इनलार्ज्ड वे पे चाहिए। आई गेस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इतना अगर समझ गया ना, तो अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। याद करो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़े हैं बीटा बाय अल्फा, ठीक, बीटा बाय अल्फा। वेयर व्हाट इज बीटा, बीटा जो है वो क्या है भाई, माइक्रोस्कोप के बनाया द्वारा बनाया गया विजुअल एंगल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्कोप तो पढ़ नहीं रहे, तो टेलीस्कोप की फाइनल इमेज, बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप के फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया मैग्निफिकेशन। अल्फा क्या था याद करो, अल्फा था विजुअल एंगल मेड बाय दी माइक्रोस्कोप जब हम नेकेड आई से देख रहे थे। भाई एक हम देखते थे कैसे, चलो माइक्रोस्कोप का एक बार याद करते हैं, फिर टेलीस्कोप से कंपेयर करेंगे। माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था, बीटा और अल्फा कैसे निकाल रहे थे, अल्फा कब क्या निकाल रहे थे, जब हम नेकेड आई से देख रहे थे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रख के, तो उस केस का एंगल अल्फा था विजुअल एंगल। फिर हमने माइक्रोस्कोप रख लिया और उससे देखा, तो उसका विजुअल एंगल ये था। अब एक बात बता दूं, यहाँ पे ये दोनों एंगल कैसे निकालोगे, देखो बीटा तो क्या है, फाइनल इमेज का एंगल है, तो फाइनल इमेज तो ये बन रही है, और इसका एंगल कौन सा है, ये देखो क्लियर कट दिख रहा है इसका एंगल, तो बीटा तो साफ साफ समझ में आ रहा है। बट अल्फा कौन सा होगा, अल्फा विजुअल एंगल था जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, 25 सेंटीमीटर पे रखते थे, ठीक है। तो भाई अभी ऐसा कोई केस है क्या कि 25 सेंटीमीटर में रख सकते हो, सूरज मामा को ला, चंदा मामा को ला सकते हो क्या अपने 25 सेंटीमीटर में, नहीं ला सकते। तो मतलब जब हम दो एंगल का कंपैरिजन करने जाएंगे, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, एक बार हम नेकेड आई से देखेंगे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, और हम चंदा मामा को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना क्लियर दिख रहा है, वो इमेज हमारा एक हो गया, पहला इमेज। सेकेंड बार हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमारा दूसरा इमेज हो गया, दूसरी बार देख पा रहे हैं। तो हमने जब खाली आंखों से देखा तब कुछ इमेज बन रही है, जब हमने टेलीस्कोप से देखा तब कोई दूसरी इमेज बन रही है। तो दोनों के इमेज का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। भाई देखो माइक्रोस्कोप में डिस्टेंस में रख सकते थे, तो एक 25 पे देख लिया कि 25 सेंटीमीटर में सबसे बड़ा दिखता है, ठीक है। और उसके बाद में माइक्रोस्कोप लगा के देख लिया कि माइक्रोस्कोप के साथ में कितना बड़ा दिखता है, उन दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट क्या था, बड़ा करके दिखाना, क्लियर। टेलीस्कोप का भी ऑब्जेक्टिव सेम है, इमेज की साइज को बड़ा कर रहे हैं, इमेज को मतलब दूर की ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखो भाई, क्लियर देखोगे। तो जब बिना आंख से देख रहे हैं, ठीक है, एक बार क्या कर रहे हो, बिना आंख से देख रहे हो, तो बिना आंख से कुछ इमेज दिख रही है, एक बार टेलीस्कोप से देख रहे हो तो टेलीस्कोप से भी एक बार कोई इमेज दिख रही, तो उन दोनों इमेज को कंपेयर करना, क्लियर। तो जब देखो टेलीस्कोप के बिना देख रहे थे, तो मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे टेलीस्कोप कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो ये एंगल ही क्या है, मेरा अल्फा एंगल है। कुछ सोचो यहाँ पे खड़े हो गए हो, और यहाँ मतलब देखो सनरेज तो यहीं कहीं से आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ पे मून रेज आ रही है, तो यहाँ पे मून है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और देख रहे हो, तो यही एंगल तो आपका विजुअल एंगल होगा ना, यही एंगल आपका क्या होगा, विजुअल एंगल होगा। अब देखो यहाँ से रेज आई, ये रेज ट्रांसफर होके यहाँ पे इमेज बनाई, और फिर इस लेंस को अब यहाँ पे, अब आप यहाँ पे हो, अब आप टेलीस्कोप के थ्रू जो रेज ट्रांसफर हो रही है, ये इमेज बन रही है, आप इसको देख रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होगा, टेलीस्कोप के थ्रू जब आप देख रहे हो तब ये एंगल होगा, क्लियर। कुछ समझ पाए रे, ठीक है। देखो अब सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं तक का था, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है,
क्लियर है? देखो ये एंगल अल्फा, अब कई लोग बोलेंगे मैडम यही एंगल कैलकुलेट करेंगे, कैसे करोगे? सन तक जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे मून तक, यहाँ ऐसे चंद्रमा में बना लो और यहाँ से जाके ये एंगल हाइट निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन भाई इतना तो पता है ना, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। ठीक, तो इस मान लिया ये मेरा डिस्टेंस मान लो ए और बी, ठीक है, ए बी मान लिया। तो देखो अगर ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो अल्फा के लिए, ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो बीटा के लिए। ठीक, चलो कौन कौन सी वैल्यू क्या है वो तो लिखें। देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है इस लेंस के लिए, क्या है ये? फोकस है एफ नॉट। एफ नॉट क्यों लिख रही हूँ? एफ जीरो ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। याद करो पैरेलल रेस आ रही ना, तो पैरेलल रेस कहाँ पे मिली है? फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन मतलब भाई वहीं वहां तक का ही तो फोकस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ नॉट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर? फिर ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट वाले इमेज है वो सेकेंड के लिए क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? यू ई। अब यू ई क्यों लिया? आई पीस लेंस है ना, आई पीस लेंस है, उसके लिए क्या काम कर रहा है वो? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हो? यू से। और ई सिर्फ आई पीस लेंस को डिनोट करने के लिए कर दिया। ठीक, इतना समझ में आया? और इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम वो देख लेंगे, ठीक, डिस्टेंस वगैरह में। चलिए तो अभी फिलहाल हमें बीटा निकालना है। एंगल बहुत स्मॉल होंगे तो हम हमेशा टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली बीटा। तो इफ आप टेन अगर बीटा निकालने जाओगे तो टेन बीटा क्या होगा? देखो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस है ना। तो चलिए जो ए बी डिवाइडेड बाय में क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है मेरा? यू ई है। टेन अल्फा बताओ कितना लिख सकते हो? टेन अल्फा। ये वाला डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय में ये बेस, तो क्या लिख सकते हो? ए बी डिवाइडेड बाय में बेस। तो बेस क्या है तुम्हारा? एफ नॉट। यही है भाई, देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस तो एफ नॉट है। अब ये दोनों वैल्यू आप यहां ले जाके पुट कर दो मैग्निफिकेशन में। जब मैग्निफिकेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? यू ई, ठीक, इनटू ए बी डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा? एफ नॉट। ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ नॉट बाय यू ई। ठीक, क्या मिल गया? मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें एफ नॉट बाय यू ई। एफ नॉट क्या है बेटा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और यू ई क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है जहां पे फर्स्ट इमेज बन रहा है वहां से आईपीएस का डिस्टेंस। क्लियर? तो ये समझ में आया? इतना अगर समझ में आ गया तो फिर अब हमें आगे चलना है। जैसे हम पिछली क्लास में आगे बढ़े थे, दो कंडीशन निकालनी है। पहली कंडीशन कौन सी? एक कंडीशन हमें कौन सी निकालनी है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की। कौन सी निकालेंगे हम? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हम कौन सी निकालेंगे बेटा? मिनिमम मैग्निफिकेशन की, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलता है? देखो समझो, ये वाली इमेज बन रही है ना, ये इमेज बन रही है, इसको किससे देख रहे हो भाई? मान लो ये आंख है यहाँ पे, ठीक है, बिना टेलीस्कोप के यहां से देख रहे हो। यहाँ पे टेलीस्कोप तो पीछे है ना भाई, यहाँ पे खड़े हो, मतलब ये वाला एंगल कैसे पता चला बिना आंख के? यहाँ ये टेलीस्कोप इधर है कि इधर है? सीधी सी बात, टेलीस्कोप पूरा इधर है, मतलब आप इधर देख रहे हो। तो ये बिना टेलीस्कोप का एंगल हो गया, विजुअल एंगल हो गया। फिर ये पूरा टेलीस्कोप बन गया है ना। अब यहाँ पे एंगल है और इस वाले एंगल के कारण इसको देख रहे हो, तो ये वाला एंगल जो है वो टेलीस्कोप के साथ वाला एंगल हो गया। क्लियर? अब इसको देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो ना, ये इमेज नहीं देख पा रहे, ये इमेज देख रहे हो। तो ये इमेज आंख के लिए है। अब आंख सबसे बड़ा कब देखता है? जब ये कहाँ बने? डी डिस्टेंस पे बने। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन पिछली क्लास जैसे ही होगी कि जब इमेज कहाँ बने, इमेज आपका बने माइनस डी पे। अब कई बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम माइनस डी कहाँ से आ गया? तो भाई आंख के लिए आंख सबसे बड़ा कौन सा डिस्टेंस में देख पाता है? देखो अगर मैं आई पीस की बात करूं, जैसे मान लो बेटा ये आंख है आपका, ठीक, आंख सबसे बड़ी किसी भी चीज को, चाहे ये ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अभी ये इमेज यहाँ रखी है और यहाँ पे आंख है, ये आंख
इस इमेज को भी ज्यादा दूर रखोगे ना तो छोटा दिखेगा, बट जब इस इमेज को सबसे बड़ा कब दिखेगा, जब ये आग के पास 25 सेंटीमीटर के, अभी मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जब इस इमेज को मैं डी डिस्टेंस पे ले आऊंगी, मतलब 25 सेंटीमीटर पे ले आऊंगी ना, तो ये आग इस इमेज का भी सबसे बड़ा साइज देखता है। ठीक, अब देखो, अब ये जो डिस्टेंस है डी, वो आग के इस तरफ है ना, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, सॉरी, इंसिडेंट रे सारा इस तरफ जा रहा है ना, देखो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इधर जो जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो सब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बहुत सारे बच्चे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, अभी भी कंफ्यूज होते हो नेगेटिव और पॉजिटिव में, एक बार फिर से देखो। ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला है। भाई लाइट कहाँ से आ रही है, वो चीज़ देखा करो ना, लाइट इधर से आ रही है, तो जब लाइट रे इधर से आ रही बेटा, तो हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर, तो अगर देख, अब मैं फोकल लेंथ मेरे को मेजर करना है, समझ, एक बार फोकल लेंथ मेजर करना है, तो फोकल लेंथ मैं इस पॉइंट से मेजर करूंगी, क्योंकि ये फोकल लेंथ किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, FO, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है ये, तो इस पॉइंट से ये इस तरफ मेजर होगा, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्यों, इधर देख, इस पॉइंट से मेजर करना है इस तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का ही तो डायरेक्शन है ना, इसी तरफ तो इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, यू ई कहाँ से मेजर करोगे, किसके लिए है यू ई, ये वाले लेंस के लिए है। ठीक है, अब ये यू ई यहाँ से मेजर करोगे क्योंकि इस लेंस के लिए है, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है, इधर है, आप कई लोग इधर मत देख लेना भाई, यहाँ से कोई रे इंसिडेंट नहीं हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे यहीं से आ रही है, ये फर्स्ट वाली इंसिडेंट रे को ही देखना, तो जब ये इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है और मेजर इधर करने जा रहे हो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव यू ई हो जाएगी। ठीक, सेम वैसी, अब देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की क्या कंडीशन है, कि इमेज कहाँ बने, माइनस डी डिस्टेंस पे। माइनस क्यों लिया, क्योंकि भाई इस वाले लेंस से डिस्टेंस बनाओगे ना, क्योंकि आंख तो यहीं से देख रहे हो, है ना, इस इमेज की बात हो रही है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम माइनस डी क्यों लिया, यहाँ से यहाँ क्यों लिया, इधर से क्यों नहीं लिया डी डिस्टेंस। भाई देखो, ये वाले ऑब्जेक्ट को बड़ा कर, इस वाले ऑब्जेक्ट की बात हो रही, इस वाले इमेज की बात हो रही, कि ये कब बड़ा दिखेगा, तो ये कब बड़ा दिखेगा, जब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आएगा आई से, तो आई से डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना उसका, इसलिए क्या लिखा है मैंने, माइनस डी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू ई, दैट टू माइनस यू ई, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई आंख से ही तो देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, प्लस इसका फोकस क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी फोकस इसका क्या होने वाला है, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, फोकस जल्दी बताइए उसका क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा उसका फोकस, ठीक, फोकस क्या आना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, मैंने तो पॉजिटिव लिख दिया, आप लोग बताओ क्या आएगा, सब श्योर हो पॉजिटिव आएगा करके। ठीक, क्योंकि इसका जो फोकस है, फोकस तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से चीजें स्टार्ट करें। अब जैसे देखो, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, 1/f, 1/v, माइनस 1/u। ठीक है भाई, ये कौन सा लेंस है, कई लोग यहां कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव फोकस होता है वो, है ना, तो पॉजिटिव फोकस है वो। कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हैं, मैडम इसको तो इधर कहीं लेना था, इधर हम लोग फोकस मेजर किए थे, वैसा नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव फोकस होता है। कॉनकेव लेंस का फोकस हम क्या पढ़े, नेगेटिव फोकस पढ़े, याद करना। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का फोकस हम वैसे ही देख सकते हैं, डायरेक्शन में फंस के कंफ्यूज मत, उल्टा मत कर देना। ये वैल्यूज यहाँ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा, चलो मैं पुट करती हूँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा माइनस डी, इसका डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, माइनस यू ई रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यू ई, और ये क्या हो जाएगा, 1/FE। अब देखो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, 1/UE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, 1/FE प्लस क्या लिख दिया, 1/D, ये हो गई वैल्यू डन।
अब देखो मैग्निफिकेशन क्या निकाल के रखा हमने, मैग्निफिकेशन ने निकाला है ये वैल्यू। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन में देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास क्या है, यू ई है, ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एफ नॉट यू ई डिवाइड में है ना, यानी 1/UE है डायरेक्टली, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ क्या, 1/FE प्लस 1/D, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, यू ई एफ नॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, या एफ ई कॉमन निकाल लो, चलो एफ नॉट बाय एफ ई कॉमन निकाला यहाँ से तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ई बाय डी, यही वैल्यू आ जाएगी एफ ई बाय डी, तो ये तुम्हारी फाइनल मैग्निफिकेशन। देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो गया है ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के बाद क्या देखना है, मिनिमम मैग्निफिकेशन देखना है, यहीं पे बना दूँ क्या ताकि आप लोग को देखने में इजी हो जाए, तो चलिए मैं इसको यहीं से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम सेकंड केस बना लेते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन आप लोग को याद है क्या, कब मिलता था मिनिमम मैग्निफिकेशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता था मेरा इन्फिनाइट, सॉरी जब इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे। खुद सोचो जब भाई, अगर जैसे मान लो किसी बच्चे को ऐसा हो रहा होगा कि उसको ये दोनों कंडीशन निकालनी समझ में नहीं आ रही होगी, तो चुपचाप याद कर लेना, मैग्निफिकेशन कब मिलता है, जब इमेज कहाँ रखी हो, डी डिस्टेंस पे, और जब मिनिमम मैग्निफिकेशन कहाँ मिलता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो मेरा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बन रही हो, सॉरी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तब मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके साइज में कम से कम वेरिएशन हो, ठीक है। अब खुद सोचो कि जब आई आई का मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, आई जब सबसे कम कब देख रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इमेज का ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज कहीं कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे। अगर ये इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे बनेगी तो आप इसको क्लियरली देख पाओगे, मतलब वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। अगर ये इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो आप इसको क्या कर पाओगे, छोटे से छोटा देखोगे, इसलिए ये क्या होगा, इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा। समझ में आई चीज, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन क्या होगी, कि इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने, रेस्ट ऑफ द चीज़ें तो वही होने वाली, भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, माइनस यू ई डिस्टेंस पे, फोकस क्या होगा उसका, फोकस क्या होगा, फोकस उसका फोकस के जितना ही होगा भाई, नेगेटिव एफ फोकस, सॉरी यहीं पे लिख लेना था मुझे, फोकस क्या होगा, नेगेटिव एफ ई होगा, क्लियर। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, डायरेक्टली वैल्यू रख दूँ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U, यही फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 1/FE, सॉरी फोकस तो पॉजिटिव होता है, क्या कैसे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है फोकस है क्योंकि लेंस ही है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव ही होता है, ठीक। 1/V इन्फिनिटी है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। 1/-UE रखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब FE इज इक्वल्स टू क्या जा रहा है, UE आ रहा है, F इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, UE। तो मतलब जब मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए जाओगे तो ये कंडीशन मिल रही, और जब ये कंडीशन मिल रही है इसको यहाँ पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ यू एफ नॉट और यू ई की जगह में क्या जा रहा है बेटा, एफ ई, तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया, फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ नॉट बाय एफ ई। मतलब सोचो कितने सारे फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का एफ नॉट बाय यू ई किसके लिए मिला, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, ठीक, एफ नॉट बाय यू ई। फिर हमें दूसरा फॉर्मूला मिला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, एफ नॉट एफ ई 1/FE बाय डी। फिर हमें तीसरा फॉर्मूला मिला मिनिमम मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ ई। क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ, ठीक। इतना होने के बाद एक चीज क्वेश्चन में और कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, क्या पूछते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप की लेंथ का मतलब क्या होता है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बोलूं, भाई देखो खुद सोचो टेलीस्कोप का काम कौन कर रहा है, यही दोनों तो टेलीस्कोप का काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेंसेस। तो इस टू लेंस, अगर मैं बोल रही हूँ लेंथ, अगर हम बोल रहे हैं क्या लेंथ, किसकी लेंथ, देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, मतलब ये दो लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये एफ नॉट प्लस एफ यू ई
एफ नॉट प्लस एफ ई, मैं एफ जीरो लिख रही थी उसका भी रीजन बताती हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। ये तो तुम लोग को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई एफ नॉट प्लस यू ई दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको मैंने यही लिख दिया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप में। ये एल है ना मेरा, एफ नॉट प्लस यू ई, ये साफ साफ दिख रहा है दो लेंस के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। अब मैंने सेकेंड चीज ये लिखा एफ नॉट प्लस एफ ई, ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि अभी तो प्रूफ किया ना कि मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में एफ ई और यू ई बराबर है, एफ ई और यू ई, तो इस यू ई के जगह में एफ ई रख सकते हैं ना, तो इसलिए लेंथ का फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा लिखा जाता है, एफ नॉट प्लस एफ ई इज द लेंथ बिटवीन, सॉरी लेंथ ऑफ द माइक्रो, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप निकल जाता है बार बार मुंह से, क्लियर हुआ। अब कई लोग बोलेंगे, देखो कई जगह बुक में फ्रिक्वेंटली ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया होता, ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया होता, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला गिवन होता है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं ना बेटा, तो ये वाला जो हम जब टेलीस्कोप की बात कर रहे होते हैं, हम हमेशा मिनिमम मैग्निफिकेशन को ही फॉलो करते हैं, सॉरी ये वाला जो इमेज होता है ना, ये वाला जो मैक्सिमम इमेज होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये कहाँ मिल रहा है? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हो, या जब हम जब आपकी इमेज कहाँ बन रही है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, तो जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, वो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए एकदम पिक पॉइंट है कि वहीं पे इमेज होनी चाहिए। भाई ये वाला मैग्निफिकेशन कब मिला? जब इमेज कहाँ रखी, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो आई के लिए ना ये सेटिस्फैक्ट्री या आरामदायक कंडीशन नहीं है। तो ये जो आई की ये कंडीशन है ना, इस पे आई उतना रिलैक्स फील नहीं करता। बट मिनिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन देखो, यहाँ पे आई एकदम रिलैक्स है, आई को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ये वाला कंडीशन और इस कंडीशन के बेस पे ये फॉर्मूला, ये ज्यादा क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। थोड़ा मैं आपको समझ पा रहे हो रही, टॉपिक थोड़ा टफ है, आराम से सुनना, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़े, अगर इतना समझ में आ, तो इन फॉर्मूलेस के साथ में हमारा जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। बट जब एक बात बताइए, जब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इतना अच्छा था, तो हमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की क्या जरूरत पड़ गई, है ना? मतलब क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग दो टाइप्स के टेलीस्कोप जरूर हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं जो रिफ्लैक्टिंग है वो रिफ्रैक्टिंग के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके बनाया गया है। तो जब हम रिफ्लेक्टिंग पढ़ें, उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स, व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक, व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कि पहले भाई जब उसमें दिक्कत क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड टेलीस्कोप में जाएंगे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक जो था ना बेटा, वो ये था कि एक तो इतना बड़ा लेंस बनाना था, तो उतना बड़ा लेंस बनाना पहली चीज बहुत कॉस्टली था। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था इसका, कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, ठीक। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, ये डबल एफ, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि खुद सोचो लेंस बनाना है ना, कोई मजाक तो है नहीं, लेंस की फिनिशिंग चाहिए, उसका कवरेचर चाहिए, और जितना बड़ा वो बनाओगे आप उतनी आपको दिक्कत होने आएगी, तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर विथ दैट मच इफिशियंसी, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या हो जाती है कि जितना बड़ा आप बना रहे हो साइज में, बहुत ज़्यादा, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत बड़ा बनाया जाता है, ताकि बड़ा क्यों बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, लार्ज नंबर, हम क्या बनाते हैं, लार्ज बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक्स्ट्रा रेस को अब्सॉर्व कर सके, क्या कर सके, एक्स्ट्रा रेस अब्सॉर्व कर सके, ठीक। जब एक्स्ट्रा रेस अब्सॉर्व करेगा तो क्या करेगा, जब उसकी अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रेस अब्सॉर्व करेगा, तो उसके कारण क्या हो जाता है, आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होगी, जितना अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी अच्छी होगी, जितना इंटेंसिटी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, इमेज क्लियर होगा। तो लार्ज साइज के कारण इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड मैकेनिकली, अब उसको कहीं ना कहीं तो खड़ा करना पड़ेगा ना भाई, टेलीस्कोप का लेंस है तो कहीं ना कहीं उसको फिक्स करोगे तब तो देखोगे, ऐसे हाथ में पकड़ के तो देख नहीं सकते। तो लार्ज साइज के कारण क्या हो जाता है बेटा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट
टू होल्ड मैकेनिकली. मैकेनिकली उसे होल्ड करना क्या हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट चीज, ये इतने ड्रॉबैक हो गए, बट अभी मेन ड्रॉबैक और बाकी है. एक ड्रॉबैक जो होता है दैट इज द स्फेरिकल एब्रिएशन. क्या बोलते हैं हम उसको, स्फेरिकल एब्रिएशन. अब इसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल एब्रिएशन का मतलब होता है बेटा, देखो समझो, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है. बाकी चीज़ तो आप समझ सकते हो कि कॉस्टली होगा, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर होगा, लार्ज है इसलिए डिफिकल्ट टू होल्ड मैकेनिकली होगा, मतलब मैकेनिकली होल्ड नहीं कर पाएंगे. अब कई लोग मैकेनिकली होल्ड करना मतलब नहीं समझ रहे होंगे. मैकेनिकली मतलब बेटा उसको फिक्स करना, कहीं ना कहीं नट बोल्ट लगाना, टाइट करना, कहीं ना कहीं तो आप फिक्स करोगे ना, बस वही है. ठीक है. स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब क्या हो जा रहा है, जैसे समझिए कि अभी हम देख रहे थे कि लाइट रेस क्या है, बहुत दूर से आ रही है ना. जब लाइट रे बहुत दूर से आ रही है बेटा, देखो तो लाइट रे ज़रूर अलग अलग बंच में आ रही है. आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या, सॉरी, कि सारी लाइट रे एक ही डायरेक्शन में आ रही होंगी. भाई देखो, अगर ये लाइट रे ऐसे पैरेलल आई तो इसका फोकस पॉइंट ये है, ठीक है. अब कोई लाइट रे ऐसे यहाँ से आ रही तो उसका फोकस पॉइंट तो डेफिनेटली कुछ और होगा. समझ पा रहे हो, मतलब देखो यहाँ से जो एकदम पास से आ रही है, हमारा लेंस हमेशा क्या रहता है, हमारे लेंस जब हमने पढ़ा है तो हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव लेके चलते थे कि लेंस बहुत थिन होगा, ठीक है, बहुत थिन होगा और उसका कर्वेचर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा. अब जब इसका कर्वेचर जितना बड़ा बनाओगे लेंस, उसका कर्वेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा. अब ज़्यादा कर्वेचर बनेगा तो लाइट के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. नंबर लाइट जो रेज आएंगी बेटा, जो चंद्रमा से रेज आ रही हैं, वो एक साथ एक बंच में नहीं आ रही, वो नंबर ऑफ बंच में आ रही हैं. करोड़ों, लाखों लाखों करोड़ों रेज आती हैं, हर रेज नंबर ऑफ बंच में आ रही. तो हर रेज का क्या होगा, जब वो लेंस पे पड़ेगी तो हर टाइप की रेज का अलग अलग फोकस हो जाता है, नंबर ऑफ फोकस मिल जाते हैं, ठीक है. एक फोकस नहीं आ पाता, क्योंकि देखो अगर अगर इसका एपरेचर बहुत छोटा है ना, इसका अपर्चर बहुत छोटा है, तो अपर्चर छोटा है तो फोकस हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट मिल सकता है. बट अगर अपर्चर इसका बहुत बड़ा कर दिया जाए तो भाई हर लाइट रेज जो पैरेलल आ रही है उसके लिए अलग अलग फोकस. तो अलग अलग फोकस होने के कारण क्या होती है, लाइट, अब खुद सोचो, चार लाइट रे आ रही है यहाँ पे फोकस हो गई, कोई और लाइट रे आ रही कहीं और फोकस हो गई, तो नंबर ऑफ फोकस है. नंबर ऑफ फोकस होने के कारण क्या होती है, जो इमेज बनती है ना वो ब्लर बनती है. मतलब स्फेरिकल एब्रिएशन का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फोकस मिलना. नंबर ऑफ फोकस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो लाइट रेज है, जो जो इसका कर्वेचर है या इसका जो अपर्चर है लेंस का, वो अपर्चर बड़ा हो जाता है. लेंस क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, थिन नहीं रहती, थिक हो जाती है. तो थिक होने के कारण क्या बनता है, अपर्चर, इसका अपर्चर बड़ा हो रहा है, थिक हो रहा है, इसलिए क्या हो रही है, नंबर ऑफ फोकस बढ़ जाते हैं. नंबर ऑफ फोकस बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, जो हमारी इमेज होती है वो ब्लर दिखने लगती है, ठीक. ये एक बहुत तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, ठीक. एक हमारी जो डिफिकल्टी होती है दैट इज माई क्रोमोटिक एब्रिएशन, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिक एब्रिएशन. अब ये एब्रिएशन आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है. देखिए, आपने ये पढ़ा है क्या कि जो लाइट रेज आ रही है वो डेफिनेटली क्या होंगी बेटा, अलग अलग वेवलेंथ की आएंगी, ठीक. और देखो लाइट रे क्या आ रही हैं, अलग अलग, एक ये चीज़ ध्यान रखो, वेवलेंथ, ठीक, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर. इससे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाओगे. देखो जो लाइट रेज आती हैं सन से, उनका क्या अलग है, उनका जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है. जब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इसमें पड़ेगी, ठीक है, इस लेंस पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है, तो हर वेवलेंथ के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ठीक है. हर वेवलेंथ के लिए क्या अलग होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा. अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, तो वो उसका फोकस अलग. बात समझ में आई जो मैंने बोला, ठीक है. क्रोमैटिक देख रहे थे, है ना. तो क्रोमैटिक में क्या हो रहा है बेटा, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है. यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर अलग, देखो रीजन ये है कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जब आती है तो ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है.
जिसके कारण हर हर वेवलेंथ की लाइट का फोकल क्या होता है, अलग अलग होता है। फोकल अलग क्यों हो, देखो वेवलेंथ की लाइट वेव या फिर डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि बोलोगे कि भाई मैम रेड लाइट आ रही है तो रेड लाइट का फोकस अलग क्यों आता है, ब्लू आ रही है ब्लू वायलेट आ रही है उसका फोकस अलग क्यों आता है, या फोकल लेंथ अलग क्यों आती है। अलग इसलिए आती है क्योंकि बेटा हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में जो हर वेवलेंथ के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है तो वो किसको बदल देता है, फोकल लेंथ को बदल देता है। ठीक, और कैसे बदलता है तो ये हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रही थी, ठीक, अगर ये लाइट मान लो ये रेड लाइट है, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो बेटा इसका फोकस कहाँ बनेगा, ज़्यादा दूर बनेगा। ये कोई आपकी वायलेट रेज आ रही है, इसका फोकस कहाँ बनेगा, पास में बनेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये मैंने धोखे से उल्टा बना दिया था, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट आ रही होगी उसका उतना ज़्यादा क्या मिलता है, फोकस मिलता है। तो अब सोचो ये अगर अलग अलग लाइट रेज आ रही हैं वहाँ से टेलीस्कोप में आप देख रहे हो तो अलग अलग फोकस मिल रहे हैं, फिर से अब फोकस अलग अलग मिलेंगे तो फिर से वही चीज़ आ रही है कि क्या होते जा रहा है, आपका इमेज जो है आपकी वो ब्लर बनते जाएगी। तो कितने सारे सोचो ड्रॉबैक हो गए, कॉस्टली हो गया, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर हो गया, लार्ज साइज का हो गया इसलिए होल्ड करना टफ हो गया, स्फेरिकल एब्रेशन में भी नंबर ऑफ फोकस मिल गए, नंबर ऑफ फोकस के कारण इमेज ब्लर हो गई, क्रोमैटिक में भी क्या हो गया, नंबर ऑफ फोकस मिल गए इसलिए ब्लर हो गई। क्रोमैटिक को कैसे दूर किया जाता है, देखो क्रोमैटिक में इसमें ना बेसिकली अगर हम मिरर यूज करें, ठीक है, मिरर यूज करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मिरर में डिफ्रैक्शन पढ़े हो ना, डिस्पर्सन किस में पढ़े हो, प्रिज्म में पढ़े हो। तो देखो ये फोकल लेंथ चेंज क्यों हो रही है, ड्यू टू जो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पिक्चर में ना हो तो कोई भी लाइन कोई भी वेवलेंथ की लाइट आ जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या, किसी भी लेंथ की वेवलेंथ को किसी भी मतलब कोई भी वेवलेंथ की लाइट ले आइए उसका फोकस चेंज नहीं होगा अगर मीडियम में मीडियम का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन नहीं है। तो लेंस डेफिनेटली क्या होता है, रिफ्रैक्शन के केस में ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं। अगर हम मिरर ले लें है ना, तो मिरर के केस में हमें रिफ्रैक्टिव ये जो क्रोमैटिक एब्रेशन है वो हमें मिरर के केस में नहीं मिलता। क्लियर, इसीलिए देखो सेकेंड टाइम जब हम कौन सा टेलीस्कोप पढ़े, जब हमने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, तो जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं तो हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे मिरर यूज़ किया है, लार्ज कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, मैं सिर्फ फंक्शन बता देती हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना एक लार्ज ऐसा वो देखिए ना आप सोलर कुकर बनाया हूँ बचपन में, ऐसे बीच में रखा रहता था और ऐसे कॉनकेव से सरफेस में उसको सिल्वर्ड सरफेस रखते थे, बीच में रख देते थे, सरफेस में कहीं भी लाइट पड़ती थी तो ऐसे बीच में कुकर रखा रहता था भाई, यहाँ पे सोलर कुकर रख देते थे, यहाँ सब जगह लाइट पड़ती थी और हर जगह हर लाइट यहीं पे आती थी सेंटर पे, वहीं पे कुकर रखा रहता था। बनाए होंगे नहीं बचपन में सोलर कुकर का प्रोजेक्ट, वैसे टाइप का समझो कि ये जो लार्ज कॉनकेव मिरर होता है ना, ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो रिफ्लेक्टिंग माइक टेलीस्कोप में सबसे पहला काम क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया गया किससे, कॉनकेव लेंस के थ्रू, ये सॉरी कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो अब देखो क्या क्या ड्रॉबैक चला गया, एक तो इसको बनाना इजी हो गया क्योंकि अब दो सरफेस बनाने पड़ते लेंस में, इसमें एक सरफेस बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा इजी हो गया, दो सरफेस नहीं है तो इसको होल्ड करना भी इजी हो गया, कॉस्ट भी इसका कम हो गया क्योंकि एक कर्वेचर ही बनाना है। अब इसके बाद सेकेंड चीज, ये मिरर है तो मिरर होने के कारण क्या नहीं आएगा इसमें, इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई खेल ही नहीं है। ठीक, इसमें बच गया स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है कि अलग अलग पैरेलल रेज आती हैं जिसके कारण अलग अलग फोकस बनता है। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का फंक्शन ही ये है कि इसमें आप कहीं पे भी रेज ले आओ, कहीं पे भी वो हर लेंस को हर रे को क्या करती बेटा, एक ही फोकस पे कॉन्सेंट्रेट कराती है। तो मतलब कहीं से भी रेज आएंगी ना तो ये यहीं पे जाएंगी।
भाई हर जो भी रेज आएंगी चाहे कितना भी दूर चली जाए, ठीक है, सारी रेज कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आएंगी, फोकस पे ही आएंगी, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन, मतलब सारे के सारे ड्रॉबैक्स चले गए, ठीक। देखो कहीं कितनी भी दूर आ रही हैं रेज, वो सारी रेज कहाँ मिल रही हैं, इसमें हमारे फोकस पॉइंट पे ही मिल रही हैं। लेकिन अब कैसे बनेगा, ये चीज़ समझ में आई, ठीक। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया, तो डायग्राम मैं पहले बनाती हूँ, आप लोग फिर देख के समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा बनाया सेक्शन, क्लियर। अब देखो ये बीच में थोड़ा सा ओपनिंग बनाना है, ठीक। तो ये मान लिया मेरे पास क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब देखो यहाँ पे लाइट रे कोई आ रही है, मैं सिर्फ दो लाइट रे ले रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है आप भाई, आपको पता है करोड़ों लाखों रेज हैं, आप जितना भी रे लेना चाहें ले सकते हैं। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। थोड़ा बड़ा सिर्फ फोकस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग को समझाने में मेरे को ईजी हो। ये जाएंगी फोकस पे, ठीक। तो जब ये फोकस पे जाने वाली होती है ना बेटा, फोकस में जाने से पहले हम इसके थोड़ा पहले, जैसे ये लाइट रे यहाँ पे है, हम बीच में क्या रख देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर रख देते हैं। ये कौन सा मिरर है मेरा, कॉनकेव मिरर है। ये मैंने ये नहीं बनाना है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया कि ऐसा होता है, ड्रॉबैक्स ऐसे रिमूव किए जाते हैं, बेसिकली ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। ये कॉनकेव मिरर होता है, बीच में हमने क्या रख दिया, एक ये वाला हमने जो रखा मिरर, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। अब इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। इसमें दोनों में बेसिकली काम कैसे हो रहा वो देखो, लाइट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ जाएगी तो यहाँ तो डेफिनेटली नहीं पहुँचेगी, हमें लग ज़रूर रहा है कि ये यहाँ जा रही करके, बेसिकली ये डॉटेड पोर्शन है, यहाँ तक तो वो जाएगी ही नहीं क्योंकि हमने बीच में क्या रख दिया, एक और मिरर रख दिया। तो ये लाइट रे बेटा यहाँ से टकरा के कहीं ना ये ऐसे चली जाएगी, ये यहाँ निकल जाएगी, ये लाइट रे यहाँ कहीं निकल जाएगी। तो यहाँ पे फिर एक छोटा सा ना इस ओपनिंग में, ये जो ओपनिंग बनाई मैंने, यहाँ पे क्या रख दिया जाता है, एक आई पीस रख दिया जाता है, ठीक। तो ये जब रिफ्लेक्टेड रे इस आई पीस से जाती है तो फिर ये आपको आंख में दिखाई देगी, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है, क्लियर। अभी इसको लार्ज करके मिनिमाइज करके जो देखना है देख सकते हो, वो हमारे सिलेबस का बिल्कुल भी पोर्शन नहीं है, उतने में मत जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो रिफ्लेक्टिंग मिरर का ऐसा ही, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ऐसा ही होता है, ठीक। कि जब ये ऑप्टिक जो क्या है, ये जो हमारा ऑप्टिक ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से जब हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो कॉनकेव पहले ये मिरर, तो ये यहाँ लाइट यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से ऐसे गई, ये इस सरफेस में कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो इधर ना जाके यहाँ टकराई। अब जब यहाँ पे इमेज देखो, अब यहाँ जा रही है तो इसका कहीं ना कहीं तो ये टकरा के फिर जाएंगी वापस, है ना। तो ये अब आगे जैसा भी है वो वैसे एक्ट करेगा, भाई यहाँ देखो जहाँ टकराएगी वहाँ उसके बाद आगे भी तो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से क्या रख देते हैं, एक लेंस रख देते हैं। अब वो लेंस क्या करता है, फिर से आई के लिए उसको जैसे जैसा, देखो लेंस क्या है हमारे पास, वैरायटी है, हम जैसे भी लेंस यूज करके उसको अपने आंख के अकॉर्डिंग मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो जैसा हमें ऑब्जेक्टिव है वैसा हम आगे का फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर। यही आपका जो कैसा ग्रेन में हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसा होता है, दो टाइप का होता है, एक कैसाग्रेन होता है और एक न्यूटोनियन होता है। तो जो कैसाग्रेन होता है ना बेटा, उसमें यही होता है कि एक क्या कर दिया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है बड़ा वाला, फिर स्मॉल में कैसा क्या यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं जो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग देता है। क्लियर हुआ, समझ में आया किसकी जगह में यूज कर रहे हैं हम इन दोनों को, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह में। न्यूटोनियन में हम एक और काम करते हैं, बड़ा वाला जो मिरर है वो तो हमारा कॉनकेव ही यूज होता है, बट जो सेकेंड मिरर हमने यूज किया ना, वो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। वो कैसा मिरर यूज होगा, प्लेन मिरर यूज होगा। मतलब ये वाला जो मिरर यूज किया हो ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये तो ऐसे ही रहेगा कैसा न्यूटोनियन में, सेकेंड न्यूटोनियन में यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे प्लेन मिरर लगा देते हैं, ठीक। अब प्लेन मिरर लगा दोगे तो देखो प्लेन मिरर भी, तो अगर ऐसा लाइट रे जा रही है तो ये लाइट रे और ये लाइट रे यहाँ जा रही है, तो अब यहाँ पे कहीं देखो ये लाइट रे यहाँ कहीं मिलेंगी, तो यहाँ इमेज बन गया, मतलब यहाँ बनता तो यहाँ नहीं बन रहा है, ये क्या है मेरे लिए, वर्चुअल इमेज है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं, तो यहाँ बनेगा।
अब इस लाइट रे को फिर से आगे बढ़ा लो, यहाँ यहाँ कहीं होल कर लो क्योंकि यहाँ मिल रही है इमेज, तो यहाँ पे आई पीस लगा लो। तो इस टाइप का है ये, बेसिकली इसके डिटेल में आपको सिलेबस वाइज नहीं जाना है, ठीक। तो कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है वो जरूर याद रखना आपके आपके सिलेबस में। जो बेसिक पोर्शन है वो किसका है, आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का है। सारे कैलकुलेशन रिफ्रैक्टिंग के हैं, बट रिफ्लेक्टिंग को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन रिफ्रैक्टिंग वी हैव रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।